Welcome to Maa Kalyanika Public School, Pendra Road. Maa Kalyanika Public School, Pendra Road, aapka swagat karta hai. Hello students, I am Pramita Chaudhary from Maa Kalyanika Public School, Pendra Road, Bilaspur, Chhattisgarh. Students, we are back to our environmental studies class of 5th. Hope you all are good in home and following the social distancing rule and maintaining the hygiene, and try to learn every day something new. This learning process will improve your knowledge. So students, in my previous video we were discussing about our chapter 6, growing plants, you know? So I have already given you the introduction, reproduction in plant, structure of seed, we have seen the germination. Okay, so whatever points are left we will continue in this chapter. So students, we have seen, you know, that reproduction, how reproduction possible in plants by seeds, spores, and body parts of the mother plant. We have to see the structure of seed, that seed, coembryo and cotyledons. Germination we have seen, like this is the cotyledons, or feed store we can call. This is the embryo, this is the seed coat, and we have seen how from the radical is the root grown, and that this is the plumule. It's grown with grown into a shoot and plants, and this is the seedling, and now we have seen also the condition necessary for germination: water, air, warmth, and so our next point is dispersal of seed. So let's see dispersal of seeds. Dispersal means the scattering of seeds. Sometimes seeds are carried away. Sometimes seeds are carried away from the mother plant or to distant place. They are scattered by following agents like wind, worm. का है ना ये प्रसार होना. तो डिस्पर्सल्स का मतलब होता है कि बिखरना, किसका, सीड्स का बिखरना. समटाइम्स क्या होता है कि सीड जो होता है मदर प्लांट से, सीड क्या थोड़े दूर में जाके वो कैरिड अवे हो जाते हैं, दूर में जाके बिखर जाते हैं. और ये किन के कारण होता है, इनके बिखरने के पीछे कुछ एजेंट्स फॉलोइंग एजेंट्स होते हैं लाइक विंड, है ना, वाटर, एनिमल्स, इससे हम देखेंगे. सो और इसी की वही इसी डिस्पर्सल के कारण फिर न्यू प्लांट ग्रो करता है. तो बाय विंड देखेंगे कि कैसे इसका डिस्पर्सल हो रहा है. ओके, विंड. सम सीड्स लाइक द डेंडेलियन सीड्स आर लाइट. दे हैव टफ्ट्स ऑफ हेयर ऑफ विंग्स ऑन देम. दीज सीड्स आर ब्लोन अवे बाय द विंड. अगेन द सिकेमोर ट्रीज हैज विंग्ड फ्रूट्स. द wind carries it to far off places. Cotton seed also have a fluff around them which helps them glide in air. It means जो wind होती है वो क्या होता है कि जो भी plants होते हैं like dandelion है आपका, sycamore है ना, तो ये और cotton है, तो इनके क्या होते हैं, let me show you. ये देख सकते हैं आप यहाँ पे जो डेंडेलियन सीड्स हैं, इसमें आपने कई बार देखा है कि विंड के साथ कभी कभी ये उड़ के आपके पास आ जाते हैं, जिसमें ये सब है ना, आपको ये कॉटन, ये आपको ये दिखेगा हेयर्स, काइंड ऑफ ना टफ हेयर्स ऑफ विंग्स, है ना, ये सब दिखता है. लेट मी शो यू ऑल मोर क्लियरली. सी डेंडेलियन फ्लावर होता है, जब ये ड्राई हो जाता है इस तरीके से इसके सीड्स अब जैसे ईजिली मिल जाता है आपको, ये ईजिली आप कहीं भी ग्राउंड में देखेंगे तो ये दिख जाता है. तो ये विंड के साथ, जब हैवी विंड होता है तो ये इसके साथ ये ब्लो करते हुए ना, ये मूव करते हुए ये इधर उधर फैलते हैं, फिर से ही एक नया प्लांट ग्रो होता है. इस तरीके से इसका डिस्पर्सल होता है. और ठीक ऐसे ही जैसे ये है सिकेमोर प्लांट है ना, सिकेमोर प्लांट. और कई बार मैपल ट्रीज होती हैं जो USA में होती हैं, तो उनके जो फ्रूट्स होते हैं उसमें ऐसे विंग्स होते हैं, ये देखिए विंग्स. तो ये ऐसे ही जब ये हैवी विंड चलता है, जब ये ड्राई हो जाते हैं, तो फिर ये उड़ते हुए क्या होते हैं कि वो फ्लाई करते हुए एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं. इस तरीके से वो कैरी अवे होके और कहीं और चले जाते हैं, गिरते हैं, फिर सॉइल के कांटेक्ट में आते हैं, फिर फेवरेबल कंडीशन होने से फिर इनका जर्मिनेशन होता है ना. सेम ऐसा कॉटन के साथ भी होता है. कॉटन
सेज के साथ भी ये भी आपने देखा है, या जंगलों में आजकल कई बार जहाँ पे इनकी खेती भी होती है वहाँ पे देखते हैं, तो ये जब हैवी विंड होता है, जब बहुत ज़्यादा विंड, तेज विंड चल रहा, विंडी होता है, तो ये जो, और इनके सीड्स काफ़ी लाइट होते हैं, और इसमें जो हेयर्स काइंड ऑफ ना इस टफ गुच्छा होते हैं कि जो वो उड़ते हुए हवा में एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सो नेक्स्ट इसका एजेंट देखेंगे कि कैसे रिस्पॉन्स होता है। नेक्स्ट इज वाटर। ओके, सम प्लांट्स ग्रो नियर वाटर। ओके, जो कुछ प्लांट्स होते हैं वो वाटर के नज़दीक में ग्रो होते हैं। टर्न द पेज। देयर सीड्स एंड फ्रूट्स आर कैरिड अवे बाई वाटर। उनके जो सीड्स होते हैं और फ्रूट्स होते हैं वो कैरिड अवे होते हैं किसे, वाटर से। दी सीड्स हैव स्पेशल स्ट्रक्चर दैट हेल्प देम टू स्टे फ्लोट, है ना। इनके जो स्पेशल होते हैं ऐसे जो फ्रूट्स होते हैं सीड्स में, जो कि फ्लोट कर सके, और उसमें फ्लोट का स्पेशल स्ट्रक्चर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कोकोनट हैज़ अ थिक फाइबरस कवर दैट हेल्प्स टू फ्लोट। द सीड्स ऑफ लोटस, वाटर लिली एंड हाइड्रिला आर ऑल्सो कैरिड अवे बाई वाटर। फॉर एग्जाम्पल, यू कैन सी हियर, जो कोकोनट होता है, मतलब जो भी प्लांट ये हैवी इसमें फाइबर से कोटेड होता है ना, तो ये भी वाटर में फ्लोट करता है इजीली। और ये लोटस के जो सीड्स है ये भी इजीली वाटर के ऊपर फ्लोट करते हैं। जो हाइड्रिला, ये वाटर लिली होते हैं, इसके सीड्स भी है ना, ये जो हाइड्रिला, ये एक्वेटिक प्लांट है, ये भी वाटर की तरफ फ्लोट होते हुए भी इधर सारी जगह वो कहीं भी मतलब जाके उसका फिर उसके बाद ये ग्रो कर सकते हैं ये प्लांट्स। ओके, सो आर नेक्स्ट एजेंट इज एनिमल, कि एनिमल से कैसे है डिस्पर्सल होता है ना। लेट्स सी, बर्ड्स ईट द फ्लैशी पार्ट ऑफ द फ्रूट एंड एक्सपोज द सीड, है ना। जो बर्ड्स क्या होती हैं कि वो फ्लैशी पार्ट होता है, जो उसका बोलते हैं ना पल्प होता है, फ्लैशी पार्ट होता है, उसको खाते हैं और वो सीड्स को बाहर निकालते एक्सपोज कर देते हैं। वी ईट फ्रूट्स, है ना, और ये क्या करते हैं कभी कभी अपने जहाँ पे भी खाते तो वहाँ पे वो थ्रो कर देते हैं, फिर वहाँ पे वो प्लांट ग्रो कर जाता है। तो और वी ईट फ्रूट्स एंड थ्रो अवे द सीड्स, है ना, हम भी खाते हैं और सीड्स को फेंक देते हैं। समटाइम्स हुक्ड एंड स्पाइन फ्रूट क्लिंग टू द बॉडी ऑफ एनिमल एंड द बर्ड्स एंड द क्लोज ऑफ ह्यूमन। फॉर एग्जाम्पल, द Xanthium fruits has spine, the tiger nail seeds has hooks, and the spear grass fruits has stiff hair. They stick to animal furs and are carried away to the other places, है ना। तो इसी तरीके से कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिसमें कि स्पाइन होते हैं ना, स्पाइन फ्रूट्स होते हैं जिसमें कांटेदार, जैसे ये एक इसमें दिख रहा है जो कि कांटेदार होते हैं, तो इसमें कई बार क्या होता है ये एनिमल्स के, ह्यूमंस के कपड़ों में लग जाते हैं, ह्यूमंस के बॉडी में वो चिपक जाते हैं, और उसके बाद फिर वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। और जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल, आई विल शो यू हियर, दिस इज़ द, ये इस तरीके से ये स्पाइन फ्रूट होते हैं जिसमें ये देख रहे हैं ये कांटे निकले हैं, तो ये कभी ह्यूमंस के कपड़ों में फंस जाते हैं, कभी एनिमल्स के बॉडी में, फिर से एक जगह दूसरी जगह। ये है आपका टाइगर नेल सीड, है ना, ये फ्रूट्स है इसका, फिर जो ड्राई होता है इस तरीके से टाइगर नेल सीड है। ओके, ये भी ईजिली जो कि ये ईजिली ये चिपक सकते हैं किसी भी चीज़ से, है ना, स्टिक हो सकते हैं। सेम ऐसे ही ये आपका है स्पेयर ग्रास फ्रूट, है ना, स्पेयर ग्रास फ्रूट, ये स्पेयर ग्रास फ्रूट ईजिली वो आपकी बॉडी में या किसी भी एनिमल के फर में, है ना, एनिमल की जो फर वाली, जो जैसे बेयर है, टाइगर है, जिनकी ये फर वाली बॉडी होती है जिसमें वो ईजिली ये स्टिक कर जाते हैं और एक कैरी रवे होते हैं एक जगह से दूसरी जगह, है ना। ओके, सो नेक्स्ट इज ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट्स। सो ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट, लेट्स सी, ब्रस्टिंग ऑफ फ्रूट समझेंगे कि कोई जो फ्रूट ड्राई होके फिर जिससे ब्रस्ट होता है, फूटता है। सम फ्रूट कर्ल अप ऑन ड्राइंग एड देन ब्रस्ट ओपन, है ना। जब ये कुछ फ्रूट्स क्या होते हैं कि जो वो कर्ल अप मतलब ड्राई हो जाते हैं, फिर वो थोड़े से मुड़ जाते हैं ना, कर्ल अप हो जाते हैं, और उसके बाद वो ब्रस्ट फूट जाते हैं। एंड दे थ्रो आउट द सीड्स, जैसे प्री बल्सम एंड क्लस्टर प्लांट्स scatter their seeds in the way, ऐसे ही मतलब जो प्लांट्स होते हैं, फिर जो मतलब उनके फ्रूट्स होते हैं वो सूख के फिर ब्रस्ट करते हैं और उसके बाद वो रिलीज़ करते हैं
थ्रो कर देते हैं किसको, सीड्स को, जैसे एग्जांपल अब पी और बालसम एंड कैस्टर प्लांट्स है जो स्कैटर करते हैं, मतलब बिखेरते हैं उनके सीड्स को, ठीक है, इस तरीके से करते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे, अ चाइनीज पोएट लू यू रोट द फर्स्ट बुक ऑन टी, इन इट ही डिस्कस द एशियन चाइनीज टी कल्टिवेशन एंड प्रिपरेशन टेक्निक्स। मतलब जो चाइनीज पोएट लू यू रोट है, उन्होंने फर्स्ट बुक लिखी टी के बारे में, जिसमें डिस्कस किया है कि एशियन चाइनीज़ टी कल्टिवेशन और प्रिपरेशन टेक्निक्स के बारे में, ठीक है। और फॉर एग्जांपल आई विल शो यू कि कैसे ब्रस्टिंग होती है सीड्स की। ओके, यू कैन सी हियर, ये देखेंगे, जो फ्रूट्स ड्राई होने का होता है तो वो ब्रश करते हैं इस तरीके से, वो सीड रिलीज करते हैं। जैसे ये आपका बेलसम प्लांट है, ये भी जब उनके फ्रूट्स ड्राई होते हैं तो वो ऐसे ही ब्रश करके रिलीज करते हैं। ये भी एक कैस्टर प्लांट है जो हिंदी में अंडी का तेल, अंडी का अरंडी का ऑयल, दैट कैस्टर ऑयल, ये कैस्टर ऑयल इसी से बनता है उसके सीड से। और ये कैस्टर प्लांट है, ये भी ड्राई होके ब्रश करते हैं इस तरह से। देखेंगे कि हमारा डिस्पर्सल बाई विंड हो रहा है ना, बाई विंड जैसे लाइट, उसमें ये हेयर्स काइंड ऑफ होता है जो उसमें पूरा विंग्स और टफ्स हेयर्स हो जाते हैं इसमें। ये देखेंगे वाइट वाइट, इससे ये डेंडिलियन के मूव करता है विंड से, लाइट होता है। ये मेपल का ही है, या स्काई के सिक्केम और इसके प्लांट्स जिसमें विंग्स हो रहे प्लांट्स फ्रूट्स में, तो ये मूव कर पाते हैं बाई एनिमल। ये आपका देखेंगे यहाँ पे जो एनिमल्स होते हैं उसमें कई बार क्या होते हैं, जो जो स्पाइन फ्रूट्स होते हैं ना, कांटेदार होते हैं, फिर वो एनिमल बॉडी में स्टक कर जाते हैं। और जो वाटर से होता है, वाटर में जैसे ये लोटस के सीड्स हैं, और ये क्या बोलते हैं कोकोनट, जो फ्लोट कर सकते हैं। और ब्रस्टिंग, जैसे ब्रस्टिंग होती है जो ड्राई करके फिर वो अपने सीड्स को रिलीज कर देते हैं, फिर से नए प्लांट्स ग्रो करते हैं। सो आवर नेक्स्ट प्लांट, नेक्स्ट पॉइंट इज, सो स्टूडेंट्स, सो प्लांट्स फ्रॉम अदर कंट्रीज, मेनी प्लांट्स पॉपुलर इन इंडिया हैव ओरिजिनेटेड इन अदर कंट्रीज, लेट अस रेड अबाउट सम ऑफ देम। ऐसे प्लांट्स जो इंडिया में बहुत प्लांट पॉपुलर है लेकिन ओरिजिनेटेड कहाँ से हैं, अदर कंट्रीज से। लेट सी, पोटैटो ओरिजिनेटेड इन पेरू, है ना, वीट वॉज फर्स्ट ग्रोन इन सीरिया एंड टर्की, एंड कॉफ़ी वॉज फर्स्ट ग्रोन इन एथियोपिया, ओके, एप्पल ओरिजिनेटेड इन चाइना, onion is native of Egypt, and banana and mango came from East Asia, watermelon was first grown in South Africa, some spices also have foreign origin, cloves and pepper originated in Indonesia, and cinnamon came from Sri Lanka. So we have seen ki ye jo plants hai, potato Peru se originated hai, wheat Turkey, aur Syria mein pehle grow hua tha, coffee एथियोपिया में हुआ था, है ना, ग्रोन हुआ फर्स्ट, एप्पल चाइना से, ओनियन इजिप्ट से, बनाना एंड मैंगो कम फॉर ईस्ट एशिया, और वाटरमेलन फर्स्ट साउथ अफ्रीका में ग्रो हुआ, और सम स्पाइसेस क्लव्स पेपर ये इंडोनेशिया, और सिनेमन कहाँ से आया है, श्रीलंका से आया है। सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड टुडेज पॉइंट्स, रीड बुक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, टिल देन स्टे ट्यून, स्टे होम, स्टे सेफ, एंड बाय बाय, थैंक यू फॉर watching this video, and don't forget to read your book. Okay, bye bye.